सर, ये जो अभी सैलाब की सूरत हाल है, तो इसमें एक 2010 में भी सैलाब आया था, आपकी क्या असेसमेंट है सर? एक तो कितना लॉस हुआ है और जो अभी जो डिवास्टेशन हुई है, इसको रिकवर करने में कितना अर्सा लग गया? देखिए जी, अभी तो इस टू अर्ली के आप असेसमेंट करें, भी तो असेसमेंट होगी अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है, ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सराब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पर होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। ये टाइम लगेगा, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक हम राशन पहुँचा रहे हैं, और जो बूढ़े और जो टूरिस्ट हैं और ख़वातीन और बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी वहाँ पर क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, क्राइसिस सिचुएशन उस वक्त होगी कि अगर हम सड़क खोलने में नाकाम हुए, इंशाल्लाह हम जल्दी खोल लेंगे, क्योंकि सर्दी आने वाली है, वहाँ पर लोग जो रहते हैं उन्होंने अपने लिए सर्दियों का सामान करना होता है। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, रोड जल्दी खुल जाएगी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर ये बताइए कि जो अपील की गई है असिस्टेंस की, उसके हवाले से पाकिस्तान के अवाम का क्या रिएक्शन है, और हमारे दोस्त मालिक का? आपकी वैसे भी मुबारक हो कि आपकी बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी रही है, सफारतकारी जो आपने की अस्करी, और बड़ी कामयाबी से उसके नतीजे सामने आए। तो अब जो आपने अपील की उसके हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है इस पर बहुत अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट, सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं, और कल हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे, उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा, और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोग दे, अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था, हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है, और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने माशाल्लाह, देखिए UAE की शॉर्टेज शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी, पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है, उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे, जिनकी उम्र बहुत होती है और ये बार बार की मुसीबत से लोग बचे। सही है सर। ज़रगुन शाह फ्रॉम जियो टेलीविज़न, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2010 में भी ये सैलाब आए थे और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि गैर कानूनी तामीरात हुई, दरियाओं के किनारे इतने करीब जाके होटल बनाना, और फिर कुछ उसके SOPs तय न करना कि इसकी सॉइल टेस्टिंग कैसी हो, इसमें सरिया कौन सा हो, केमिकल्स कौन से यूज़ हो, सीमेंट कौन सा यूज़ हो, उसका बहुत बड़ा हमें लॉस हुआ। तो एक तो ये बताएं, क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के इकदाम लिए जाएं कि आखिर इन लोगों को रोका जाए कि भाई जहाँ पे गैर कानूनी है वहाँ पे आप ये तामीरात ना करें। दूसरा सर, शदीद यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी, तो डू यू थिंक टेंटेज विल बी सफिशिएंट टू सर्वाइव? देखिए यहाँ पर तो, यहाँ पे इस इलाके का माहौल इस किस्म का है कि लोग अपने रिश्तेदारों को संभाल लेते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सिंध में है जहाँ पानी 4-4 फुट खड़ा हुआ है, या बलूचिस्तान में है जहाँ पे पूरे पूरे गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। यहाँ पे फिर भी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी इलाकों में हुआ है, बहरहाल नुकसान हुआ है। टेंटेज में भी आप रह सकते हैं, उन लोगों को नीचे शिफ्ट करके अपना जहाँ पे बेस है पहाड़ की, वहाँ पे टेंट लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे सर्दी कदर कम होती है उसका इंतज़ाम किया जा सकता है। जहाँ तक आपने बात की है ये बार बार जो हम बनाते हैं, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ़
सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।